वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो आज ये संडे चिकन हमारा आ गया है। उन लोगों ने काट के ही दिया, काटने के लिए एक्स्ट्रा 500 पीस लिया है, मतलब 100 रुपीस। तो काट के साफ करके ही दिया उन लोगों ने। बस आज किचन में चिकन बनेगा, वो भी हस्बैंड के हाथों का देसी चिकन। तो बहुत लोग हैं बाहरी में इनके दोस्त जो मतलब इनके हाथों के चिकन खाने के लिए बहुत ही तरसते हैं। जो इनकी दोस्त हैं, इनकी दोस्त की वाइफ हैं, जो बोलते रहते हैं भैया ऐसा क्या डालते हैं चिकन, इतना मस्त लगता है, इतना टेस्टी लगता है। तो आज हस्बैंड के हाथों शेयर कर रही हूँ चिकन करी, वो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। कलर देखिए चिकन का, पूरा मटन जैसा कलर आया है, मस्त कलर आया है। इससे अच्छे से मैंने पानी से 2-3 बार धो लिया है। इसके बाद मैंने नमक और थोड़ी हल्दी डाल के इसको अच्छे से मिला लूँगी। चिकन हो या मटन, मुझे सब में आलू खाना बहुत अच्छा लगता है। और राज रिद्धि को भी बहुत पसंद है आलू खाना, लेकिन राज के पापा को बिल्कुल भी आलू पसंद नहीं। उन्हें लगता है कि आलू डालते हैं तो करी बहुत मीठा बन जाता है, इसीलिए हमने आलू को काटा ही नहीं, पूरा गोल गोल रख के ही उनको फ्राई कर लिया है। तो ऐसे ही हम डालेंगे चिकन में। उसके बाद हमने एक कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में थोड़ा तेल लिया है, और जितना भी आपके पास खड़े गर्म मसाले अवेलेबल हो आप सब में से थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए। तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम प्याज डाल लेंगे। प्याज को अच्छे से रेड होने तक ही फ्राई करेंगे। देन उसके बाद हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और अदरक लहसुन का पेस्ट हम थोड़ा अच्छे से भुनेंगे ताकि उसमें से स्मेल चले जाए। उसके बाद हम हल्दी और रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे, देन धनिया का पाउडर और जीरा का पाउडर थोड़ा डालेंगे। सब कुछ अच्छे से मिलाकर उसमें थोड़ी पानी डालेंगे, क्योंकि मसाला नीचे लग ना जाए, इसीलिए थोड़ा पानी डाला है हमने। उसके बाद डालेंगे हम टमाटर। टमाटर को अच्छे से पकने देंगे। देखिए मसाला कितने अच्छे से बन के रेडी हो गया है। अब इसमें हम चिकन डालेंगे। अब इसमें थोड़ी हम चिकन मसाला डालेंगे और थोड़ी गरम मसाला डालेंगे। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा हमने डाला नहीं है, बस ये दोनों डालेंगे। चिकन हमारा बन के रेडी हो गया है। चलिए दूसरी तरफ क्या होता है वो दिखाती हूँ आपको। रिद्धि का घर में ही मुंडन हो रहा है, क्योंकि अभी अभी उसका मुंडन हुआ था तो ज़्यादा बाल आए नहीं है, फिर भी इसका मुंडन करवा रही हूँ। क्योंकि रिद्धि के सर पे ना बहुत पतले बाल हैं, बहुत ही पतले बाल हैं, तो इसे 2-4 बारी तो मुंडन तो करवाना ही पड़ेगा ताकि अच्छे बाल आए। और जो एग लाने गई थी रिद्धि के सर पे लगाने के लिए, वो देसी अंडे लगाने से बोलते हैं कि ये ज़्यादा बाल आते हैं, तो लेट्स ट्राई करते हैं हम क्या होता है। तो ये दोनों लगे पड़े हुए हैं, और रिद्धि को देखिए, रिद्धि सो गई है इसीलिए कर पा रहे हैं, वरना बिल्कुल भी नहीं कर पाते। क्योंकि घर में जब हम मंदिर के पास इसका मुंडन करवाने वाले थे ना, करवाया भी हमने, मतलब 3 लोगों ने पकड़ा रिद्धि को, उसकी दादी माँ, उसकी दादाजी और उसके पापा, तीनों लोग पकड़े थे रिद्धि को। देखिए रिद्धि सो गई है इसीलिए मतलब मुंडन कर पा रहे हैं, वरना बिल्कुल भी नहीं हो पाता। वो इतना रोती है कि बिल्कुल भी नहीं कर पाते।
रिद्धि को देखिए कैसे खा रही है, मतलब मैंने थोड़ी ही चिकन कोस्ता हम निकाल के खाते हैं ना, तो ये देसी चिकन है तो वो ठीक से हुआ ही नहीं है, और ये कैसे खा रही है देखो। चिकन हमारा बनके रेडी हो गया है, देखिए कितने अच्छे से बनके रेडी हो गया है, और बहुत टेस्टी एंड यमी था। टेस्ट बिल्कुल मटन जैसा ही था, आखिरकार मेरे हस्बैंड ने ही बनाया है तो टेस्टी तो लगना ही था। लेकिन आप वहाँ से चिकन लाके ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश चिकन है। मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।